हाय फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल व्हेन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड सी इट ग्रोइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये बिल्कुल सच भी है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आपने अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सेव करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप कैसे स्टॉक चूज करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। आप अगर बुरे स्टॉक्स चूज करेंगे तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, बट आपको अच्छे ऐसे चूज करके उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाना है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कौन सी ऐसी मेथड्स है जिसको फॉलो करके आप अपने फर्स्ट स्टॉक को चूज कर सकते हो, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिससे आप अपने प्रिंसिपल को प्रिजर्व कर सके और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। So guys, let's begin with the video. And before moving forward, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सिंपलीफाइड लाइफ। आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की एक कदम और नजदीक आ सकते हो। So guys, let's begin with the video. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड की हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिसका जाके हम अपने स्टॉक्स को चूज कर सके, उससे पहले देख लेते हैं कि विच आर द मिस्टेक यू शुड डेफिनेटली अवॉइड बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड हैविंग ट्रेड बेस्ड ऑन टिप्स। टिप्स को बिल्कुल ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल ज़्यादा तो क्या, बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है, इवन इफ इट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और इवन इफ इट्स फ्रॉम योर ब्रोकर। आपके ब्रोकर आपको टिप क्यों देते हैं वो आपको जानना जरूरी है। आपको ब्रोकर दिन में 10 या 12 स्टॉक रिकमेंडेशन देंगे, बताएंगे कि ये स्टॉक आप अभी खरीद लो, उसका 4-5 रुपये बढ़ जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा, फिर बेच देना। सो उसमें से लेट्स से कि 10 में से 4 ट्रेड अच्छे हुए, 6 ट्रेड बुरे हुए, या फिर 6 ट्रेड अच्छे, 4 ट्रेड बुरे, तो आपका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये चीज़ की गारंटी है कि आपको ब्रोकरेज उसके ऊपर पे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं कमा रहे हो, ब्रोकर कमा रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करके ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स यू आर लूजिंग मनी गाइस। आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे कर रहे हो जिससे कि आपकी वेल्थ नीचे आ रही है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेड करने यानी बाय और सेल करने से ब्रोकर इज़ द वन हु इज़ फिलिंग देयर पॉकेट, नॉट यू, एंड यू शुड बी द वन हु शुड फिल योर पॉकेट मैक्सिमम। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल ज़्यादा अवॉइड करनी है। नाउ लेट्स मूव कि वाई आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से टिप्स मिलती है तो उसे भी क्यों अवॉइड करना। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से कि देयर इज अ पर्सन वन हुज नेम इज राज एंड पर्सन टू हुज नेम इज मुकुल। राज और मुकुल बहुत अच्छे दोस्त है। मुकुल है जो कि 7-8 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाब रह चुका है, और राज है जो कि अब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। उसने देखा कि मुकुल ने बहुत अच्छे से अपने वेल्थ को ग्रो किया, तो वो क्या करता है कि उसको स्टॉक मार्केट में जंप करना है, बट उससे पता नहीं है कि कैसे स्टॉक्स को एनालिस्ट करते हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता है कि वो मुकुल के पास जाएगा कि यार मुकुल, मेरे को यार स्टॉक बता दे, तू तो अच्छे से पैसा कमाता है, तो मुझे भी थोड़ा सा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, तो प्लीज़ रिकमेंड मी सम ऑफ द स्टॉक्स। सो मुकुल क्या करता है कि उसने, लेट्स से कि उसने अभी ही एक स्टॉक है, स्टॉक ए उसने खरीदा है 100 रुपीज़ में, तो वो बताए कि राज तू, मैंने अभी ये स्टॉक खरीदा है और मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट एज वेल। सो जो राज है वो सोचता है कि यार मेरे पास लेट्स से कि 1000 रुपये पड़े इन्वेस्ट करने के लिए, तो ही इज़ लाइक गोइंग टू गो एंड बाय दैट स्टॉक। सो उसके पास अभी उसके 10 स्टॉक आ गए, लेट्स से कि 1 या 2 महीने में वो स्टॉक 100 रुपये से जंप होके 130 पे पहुंच गया। सो राज बहुत खुश हो गया और राज ने प्रॉफिट बुक किया, उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, एंड ही इज़ लाइक रियली रियली हैप्पी। सो नाउ लेट्स सी कि वो फिर से मुकुल के पास जाता है, राज बताता है कि यार तू तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करता है, लेकिन यार मैंने सिर्फ 10 ही स्टॉक लिए थे, तो मेरे को सिर्फ 30 ही रुपये का प्रॉफिट हुआ एक स्टॉक पे, और मेरे को ओवरऑल 300 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, मुझे कोई अच्छा सा स्टॉक बताओ कि थोड़ा सा वो सस्ता भी हो। सो मुकुल सोचता है कि अच्छा तेरे को कोई सस्ता स्टॉक चाहिए, तो वो फिर बताता है कि एक काम कर, तू ये स्टॉक बी जो कि 65 रुपीज़ का है वो ख़रीद ले। तो राज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई वाह, 65 का स्टॉक है, अब मैं 100 में बेचूंगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं इससे 20 स्टॉक खरीदूंगा और मुझे एक स्टॉक के ऊपर 35 का प्रॉफिट होगा, तो मुझे ओवरऑल 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा,
और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो जाके 20 स्टॉक खरीद लेता है, क्योंकि उसके पास अब प्रिंसिपल था 1300 का, वो 20 स्टॉक खरीद लेता है। और क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट क्रैश और फिर फंडामेंटली वीक स्टॉक अगर होगा तो वो फिर अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है। तो अभी उसकी वैल्यू 65 से सीधी 50 हो गई, तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट 1300 थी वो फिर से 1000 पे आ गई थी। तो वो मुकुल से पूछता है, यार क्या करूँ, वो 50 हो गया। मुकुल बोलता है, यार सिर्फ 15 रुपये ही तो गया है, क्या तू क्यों इतना टेंशन लेता है, कोई नहीं। सो वो क्या करता है कि मुकुल का कॉन्फिडेंस देख के उसकी अभी सैलरी आई तो वो फिर से 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। सो उसने क्या किया, फिर से 20 स्टॉक खरीद लिए और फिर उसके पास अभी 40 स्टॉक्स हो गए और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 2000 हो गई, क्योंकि उसने टोटल 40 स्टॉक इन्वेस्ट कर लिए और उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो नीचे आ गई। बट फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक चूज़ करने के कारण या फिर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में प्रेशर आ गया, तो ऐसे छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पिटते हैं। तो उससे के कारण क्या होता है, वो धीरे 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 करके नीचे से आके स्टॉक का प्राइस हो जाता है 10, और फिर वो जो राज है उसको लास्ट एट दी एंड राज को वो स्टॉक बेचना पड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उसकी प्रिंसिपल ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है। सो दैट इज़ वाई गाइज, इस स्टोरी से आपको ये पता चल गया होगा कि स्टॉक रिकमेंडेशन एक या दो या तीन बार ही अच्छे से चल जाती है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवर, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता तो सब लोग यही करते होते। सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने मनी इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, सो यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट एज वेल। उसके बिना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग। आप ऐसा नहीं है कि आप आज पैसा डालोगे और कल वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव सम पेशेंस, यू नीड टू हैव सम रिसर्च। सो आपको क्या करना है कि तीन ऐसी मेथड्स को फॉलो करना है जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। एज अ बिगिनर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड विच आर दिस थ्री मेथड। सबसे पहली मेथड आ जाती है जिसको मैंने नाम दिया है प्रिंसिपल बैलेंस शीट एनालिसिस मेथड। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जिसमें अपने आपके पूरे एक्सपेंस और इनकम की एक दो सेक्शन होते हैं, वो सेक्शन में आप अपने पूरे, और हमको एक्सपेंस वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो एक्सपेंस वाले सेक्शन में भी आप सब सेक्शन बनाइए, जैसे कि हो गया ग्रोसरी या फिर एंटरटेनमेंट या फिर शॉपिंग। आप देखो कि जैसे लेट्स से कि आपने ग्रोसरी वाले सेक्टर में देखिए कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वैसे ही जो दूसरा सेक्शन है वो है एंटरटेनमेंट। अब उसमें भी जाके देखो कि एंटरटेनमेंट में आप सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हो, क्या वो आप मूवी देख रहे हो PVR में जाके, जैसे कि लेट्स से कि अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है और आप हर सैटरडे संडे अपने पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो डोमिनोज से। सो इंडिया में जो कंपनी को डोमिनोज ऑपरेट करती है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। सो आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो। वैसे ही आप अगर ग्रोसरी में देखते हो कि आप सबसे ज़्यादा ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो डीमार्ट में, तो डीमार्ट भी एक लिस्टेड कंपनी है और उसके अंदर भी सब सेक्शन में देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा खर्चे कर रहे हो और आप देखो कि ये प्रोडक्ट्स कौन मैन्युफैक्चर करता है। एंड लेट्स से कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा गोल्ड का शौक है तो अज्यूम कि हर 3 महीने आप तनिष्क से गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो या फिर अच्छे से अच्छे शूज़ खरीदते हो बाटा के, तो आपको पता होगा कि बाटा एक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। और वैसे ही तनिष्क से अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीदते हो तो उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी है टाइटन। टाइटन भी एक लिस्टेड कंपनी है। तो आप क्या कर, आपको ऐसी 3-4 कंपनीज की बास्केट बनानी है, उसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है और वो 2 चीज़ें देखने के लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, screener.in नाम की वेबसाइट। screener.in के ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाइए, उसमें देखिए कि क्या ये कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्या ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अगर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है हाँ, सो यू कुड कंसिडर टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। Those could be a great companies for you to invest in, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही आप जैसे स्पेंड कर रहे होंगे और ऐसे ही वो कंपनीज के सेल्स बढ़ाने में मदद कर रहे होंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड बाई विच यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है जिसको मैंने नाम दिया है सेक्टोरियल पिकिंग मेथड। सेक्टोरियल पिकिंग मेथड में क्या है कि लेट्स से कि आप किसी भी जगह पे काम करें, लेट्स से कि आप एक फार्मेसी स्टोर में काम कर रहे हो और आप देख रहे हो कि
देर आर टू और थ्री कंपनीज जिसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रही है, जैसे कि लेट्स से कि कोई एक फार्मा कंपनी है जिसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें जाके वैसे ही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की एनालिसिस करके देख सकते हो कि क्या ये दोनों चीज़ें ग्रो हो रही है, और उससे आप अच्छी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ टेलीकॉम इंडस्ट्री और आप देख रहे हो कि आपने बहुत सारे फोन्स बेचे, उसमें से आईफोन की जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ ही रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अब एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आईफोन जो मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी है एप्पल। अब एप्पल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर तो लिस्ट नहीं है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, आईफोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है? सो आप ये सर्च करते हो और आपने देखा थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद कि ये कंपनी है रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन इंडिया इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईफोन। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आईफोन की सेल्स बढ़ने के ऊपर कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब आप देख रहे हो कि कौन से ऐसे सिम कार्ड्स है जिसको कस्टमर सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं मार्केट में। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हो तो आपको पता है कि ये वाला सिम कार्ड सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कस्टमर उस दूसरे सिम कार्ड से वो चीज सिम कार्ड में वो पोर्ट कर रहा है। उसको उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उसके प्लान्स बहुत अच्छे होंगे और उसके उसमें कस्टमर अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो भी ऐसी कंपनीज को आप शॉर्टलिस्ट करके आप दो तीन ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लो, और उसके बाद आप वही रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ का एनालिसिस करो कि ये दोनों चीज़ अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रही है देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड एंड फाइनल मेथड विच इज कॉल्ड डिफेंसिव बेट। अगर आपको ये सब माथापच्ची में नहीं पढ़ना है कि भाई बैलेंस शीट का एनालिसिस करे या फिर आप देखो कि अपने बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है ग्रो कर रही है, इतना सब कुछ आपको नहीं करना है, तो क्या करें आप कि आप देखो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। लेट्स से कि टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो है कोलगेट का या फिर डाबर दंत मंजन या फिर इट इज़ पेप्सोडेंट, तो आप देखो कि वो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। आपको पता है कि आप ये बहुत सालों से यही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो और आप बहुत सालों तक यही टूथपेस्ट यूज़ करने वाले हो क्योंकि आपको इस ब्रांड के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है। सो उससे के कारण क्या होगा कि आप ये रिसर्च कर रहे हो कि आपको कौन सी ऐसी ब्रांड्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है और ऐसे ही लोगों को कौन सी ब्रांड के ऊपर भरोसा हो सकता है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आप जो रोटी का आटा खाते हैं वो आटा आशीर्वाद का है और वो आशीर्वाद का आटा ITC कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो आपको पता है कि ये आशीर्वाद का आटा बहुत ही सबसे ज़्यादा क्वालिटी में बढ़िया है, इसीलिए आप यूज़ कर रहे हो और आप ऐसे बहुत ही लंबे समय तक यूज़ करने वाले हो, तो अगर उसके प्राइस थोड़े बहुत बढ़ भी जाएंगे फिर भी आप वही ब्रांड यूज़ करने वाले हो। या फिर लेट्स से कि आप रोज़ चावल कंज्यूम कर रहे हो बासमती चावल, तो आप देख रहे हो कि आप लेट्स से कि दावत बासमती चावल यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आप देख रहे हो कि वो LT फूड्स नाम की कंपनी प्रोड्यूस करती है और वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो कि ऐसे रिसर्च करके देख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि लिस्टेड है जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आप पर्सनली उसे यूज़ करते हो और आपके जैसे बहुत सारे लोग उसे पर्सनली यूज़ कर रहे हैं और उससे यूज़ करते रहेंगे ओवर द टाइम। उसका सबसे बढ़िया एक एडवांटेज क्या रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी अच्छे से अच्छे अपने सेल्स को ग्रो कर पाएगी, क्योंकि अगर लेट्स से कि इन्फ्लेशन भी आ गया तो वो अपने प्राइस को कस्टमर से पास ऑन करेंगे। लेट्स से इन्फ्लेशन आया तो वो चावल जो आप 50 रुपये में खरीद रहे थे वो आपको 60 रुपये में बेचेंगे तो भी आप खरीदेंगे, और इन्फ्लेशन कम भी होगा तो वो प्राइस कम नहीं होगा तो भी उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे और उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। So these are the defensive sectors in which you can tend to invest your money in. So guys, this were the 3 basic method जो मेरे ख्याल से बहुत ही easy to understand है और बहुत ही easy to do है। आपको ये in short एक अच्छे से अच्छे research करने में बहुत ज़्यादा help करती है और इससे आप बहुत ही अच्छे स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर गाइस आपको ये तीनों मेथड अच्छी लगी और आपको कुछ नया जानने मिला हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मुझे ये समझने में आसानी होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। सो गाइस आज की वीडियो को हम समराइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो क्या नहीं करना है, डू नॉट रिलाई ऑन एनी ऑफ द टिप्स इवन इफ इट्स फ्रॉम ब्रोकर और फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली। एंड सेकेंड, हमने 3 ऐसी मेथड्स जानी जिसको आप बहुत ही ईजिली
एनालिसिस करके अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद होगी। तो गाइस आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्टॉक एंड आप उसको एनालाइज करके अपने फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई होप दैट द वैल्यू हैज बीन एडेड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।